तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे दोस्तों? आज की क्लास में हम देखेंगे अब क्लोज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फाइल ओपन करी है, ठीक है, एक फाइल ओपन कर ली, दूसरी फाइल ओपन कर ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से कोई फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्रॉस से भी क्लोज करता हूँ, और आपके पास ऑप्शन है, जो फाइल आपके पास खुली रहेगी, जिस फाइल को आप पिक करके रखोगे, अगर आप क्लोज करते हो तो वो क्लोज हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा फाइलें अगर यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप सिंगल फाइल पे ही काम करो, बाकी के फाइलें क्लोज कर दो, या अगर आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है और आप फाइलों को क्लोज करना चाहते हो, तो आप क्लोज कमांड से जो है फाइलों को क्लोज करते हो। सेव सेव एक बहुत ही जरूरी चीज है कि आप जब कोई भी काम अपना करते हैं तो उसे आपको सेव करना बहुत जरूरी है। सेव का मतलब क्या होता है? जो भी डेटा आपने बनाया उसे आपको सेव करना पड़ता है। तो आप जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं अपने डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, इसका कुछ नाम रखता हूँ, ठीक है, और इसे सेव करता हूँ। सेव करते वक्त क्या होगा? जब आप पहली बार सेव करेंगे तो इसने अपना एक्सटेंशन बदला, ठीक है, .ai। फिर आप दूसरी बार सेव करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपके पास कौन से वर्जन में आपको सेव करना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर की एक खास बात है कि ये टॉप मोस्ट लेवल के बाद भी उसके नीचे के लेवल्स में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे आपको, तो ये आप किसी भी वर्जन में से सेव कर सकते हैं। तो ये फिलहाल CS6 है, तो जिस वक्त रिलीज हुआ था ये टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर था, और इसके पहले के रिलीजे सॉफ्टवेयर CS5, CS4, CS3, CS2, CS, Illustrator 10, 9, 8, 3, जापानी Illustrator 3, तो आप इनमें से किसी के पार्ट में भी CS6 की फाइल को सेव कर सकते हैं। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट लेवल के फाइल जो अगर आप सेव करेंगे, मान लीजिए कि आपने CS6 में सेव कर दिया, और आप इनमें से किसी भी वर्जन में CS6 की फाइल को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो फाइल नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आपने इन सब में से किसी भी पार्ट में सेव कर रखा है फाइल को और उसे CS6 में सेव खोलने की कोशिश करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि लोअर ग्रेड की जो फाइलें हैं, लोअर सॉफ्टवेयर में जो फाइलें बनती हैं वो अपर सॉफ्टवेयर में खुल जाती हैं, लेकिन अपर सॉफ्टवेयर की फाइलें जो हैं वो लोअर सॉफ्टवेयर में नहीं खुलती। इसलिए इलस्ट्रेटर में अगर आपका क्लाइंट या दोस्त या जो भी जानने वाला किसी दूसरे वर्जन पे काम कर रहा है तो आपकी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, उनकी सहूलियत के लिए वो जो सॉफ्टवेयर का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस वर्जन में उसे सेव करके दे दीजिए, तो वो भी उस पर काम कर सके, ठीक है। यहाँ ओके करते हैं और आपकी फाइल अब सेव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बार ये काम करके देखते हैं। न्यू किया हमने, फाइल ओपन करी, ठीक है, सेव। सेव में आपने देखा ये पहले आपको नाम लिखना है, यहाँ पे जैसे आपने नाम लिखा, आपने यहाँ देखा सेव, तो आपने देखा कि एक्सटेंशन फाइल का नाम .ai ऐड हो गया। फिर सेव करेंगे आप, फिर इलस्ट्रेटर का वर्जन डालेंगे आप, फिर ओके करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। सेव एज क्या होता है? मान लीजिए कि आप सेव कर रहे हैं, सेव और सेव एज में क्या होता है, सेव कंटिन्यूटी देता है और सेव एज कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है। मान लीजिए कि मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया और इस फाइल को सेव कर लिया, ठीक है, तो मैंने इस फाइल में सेव कर लिया इसे। अब मैं इसे मतलब मैं इस पे काम करते करते एक और फाइल खोलता हूँ और यहाँ पर स्टार बनाता हूँ और मैंने इसे भी सेव कर लिया, तब क्या होगा? और अब मैं एक और चीज इस पे बनाता हूँ, थर्ड चीज, एक पॉलीगन बनाते हैं इसके ऊपर, तो अब थर्ड फाइल ये हुई, लेकिन थर्ड फाइल को मैं सेव ना करते हुए सेव एज करूंगा। तो सेव एज से क्या होगा, मैं इस फाइल का नाम बदल दूंगा, ठीक है, नाउ CS6 और बंद। अब आप देखिए क्या हुआ, जब आपने सेव किया फाइल को तो क्या हुआ, और जब सेव एज किया तो क्या हुआ? जब आपने फाइल को सेव किया, ठीक है, तो आपने पहले रेक्टेंगल बनाया था, उसके बाद इसको स्टार बनाया, फिर सेव कर दिया, तो आप कंटिन्यूटी में काम करते रहते हैं। आप अगर एक ही फाइल में काम करते रहते हैं और सेव करते रहते हैं तो वो एक ही फाइल में सेव होती है, ठीक है, तो एक कंटिन्यूटी देता है सेव। और सेव एज में क्या होता है, सेव
में जो आपने फाइल खोली थी, तो वो हमने थर्ड जो डिजाइन बनाया था उसमें एक पॉलीगन जिसका हमने कलर चेंज किया था, ठीक है, और उसे हमने दूसरे नाम से सेव किया था। तो आप देख सकते हैं कि एक फाइल है जिसमें कंटिन्यूटी थी, पहले रेक्टेंगल बनाया, फिर स्टार बनाया, फिर हमने एक पॉलीगन बनाया, लेकिन पॉलीगन को हमने सेव नहीं किया। सेव किया होता तो वही यहीं सेव किया था, सेवाइज करने पे उसने एक नई फाइल बना ली। तो आपको ध्यान रखना है सेव और सेव एज का अंतर। सेव आपकी फाइल्स को कंटिन्यूटी में सेव करता है, सेव एज इसकी अलग फाइल्स का निर्माण करता है ताकि आप एक से ज्यादा फाइल्स को बना सके। सेव एज कॉपी का मतलब भी सेम है, जो आपने इसमें काम किया होगा उसकी एक कॉपी बन जाएगी। कॉपी बनाने का काम हम क्यों करते हैं, आपको डर रहता है कि अब मान लीजिए आपकी फाइल करप्ट ना हो जाए कुछ, तो आप एक से ज्यादा फाइल बना कर रखते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। जब आप कॉपी सेव करते हैं तो जो कंटेंट पहले आपने बनाया था एज इट इज, वो सारे कंटेंट आपके कॉपी में भी सेव हो जाते हैं। सेव टैम्पलेट क्या होते हैं, अगर आपको यही फाइल रीयूज करनी है, जैसे यहाँ पर आप मैंने टैम्पलेट दिखाए थे, तो इस टैम्पलेट में सेव हो जाएगी फाइल और आप इस फाइल को बार बार रीयूज कर सकते हैं एक ही फाइल को। इसके अलावा सेव फॉर वेब, अगर आपको वेब के लिए इस फाइल को सेव करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिट टू स्क्रीन, ये वेब पे जाएगी। और वेब पे जाएगी का मतलब क्या होता है, वेब पे जाएगी का मतलब होता है कि कौन वेब जो है वो किस किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ GIF है, JPG है और PNG है, इनमें से आप किसी चीज को भी पिक कीजिए। मैं JPG पिक करता हूँ, ये कंटेंट हमारा यहाँ पर है, इसको यहाँ सेव करता हूँ, ठीक है, बट जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इमेज ओनली, और ये सेव हो गई फाइल। अब इसे ऑनलाइन मैं अगर देखना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन कैसे देख सकता है। मैंने इस फाइल को सेव किया है, तो आइए इसे ओपन करते हैं। उसका आइकन आपको बदला हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये रहा वो फाइल जिसको मैंने सेव किया था, ठीक है, ये सेव फॉर वेब, तो ये वेब के पार्ट को सपोर्ट करता है, तो ये वेब के पार्ट को सपोर्ट करता है, तो ये उसमें भी सेव हो जाएगा। सेव सेलेक्टेड स्लाइस, मैंने आपको बताया था कि स्लाइसिंग अगर आप करते हैं सिस्टम में या आप होम पेज बनाना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो आप चीज़ों को स्लाइस करते हैं, तो आप एज अ स्लाइस भी जो है, ठीक है, आप अलग अलग चीज़ों का स्लाइस बनाइए, और जिसको आपने स्लाइस करी हुई है ये जो भी आप पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं सेव एज सेलेक्टेड स्लाइस। तो हम हर एक स्लाइस को अलग से सेव कर सकते हैं ताकि हम सही तरीके से काम कर सकें जब हम काम करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। रिवर्ट, रिवर्ट क्या होता है, रिवर्ट का मतलब होता है कि आप स्टार्टिंग में लास्ट सेव आपने जो किया था वहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रिवर्ट का मतलब होता है बैक टू पवेलियन, जो आपने चीजें स्टार्ट करी थी बिल्कुल बिगनिंग से, आप वहीं पे पहुंच जाएंगे और जितना काम आपने बाद में किया है वो सारा काम खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नई चीज़ों के साथ फिर हाजिर होंगे।